नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबकी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सबकी सबका वार्तालाप चलता रहता है। एक बात मैं आप लोगों से थोड़ा साझा करना चाहूंगा। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप देख रहे हैं, न्यूज चैनल हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते हैं, वह लगातार ओपिनियन पोल चलाते हैं, दिखाते हैं। और ओपिनियन पोल में अलग अलग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि अब किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग निष्कर्ष है। सरकार किसकी बननी चाहिए और बिन बननी नहीं चाहिए, किसकी बनेगी निर्णय ये है। अगर आप किसी विशेष पार्टी के हैं तो आप कहेंगे इसकी से बननी चाहिए, तो मैं यह कहना चाहूंगा सरकार किसकी बनने की संभावना है, इस विषय पर बात किया जाएगा। देखिए मित्रों, आप लोगों को बता दूं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, पीसीएस पाठशाला है, और पीसीएस पाठशाला पर अगर मैं यह पोस्ट कर दूं, वोटिंग के लिए पोल कर दूं कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, तो यह बात आप जान लें कि उसमें ज्यादातर 80% लोग यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की बन रही है, 15-20% शायद बोल सकते हैं कि बीजेपी आदि की बन सकती है बनेगी, क्योंकि बहुत कम लोग बोलेंगे कि बीजेपी की बनेगी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, वह लोग इसलिए कहेंगे कि बीजेपी की नहीं बन रही है, समाजवादी पार्टी की बनेगी, क्योंकि वह सभी लोग प्रतियोगी छात्र हैं। जो लोग प्रतियोगी छात्र हैं वह यह मानते हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी छात्रों को ही तो वोट नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है। हकीकत आप समझिए, पहले एक बात आपको बता दूं, इस समय प्रदेश में जो स्थिति है, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी छात्र हैं, वह किसके पाले में जा रहे हैं, वह क्या सोचते हैं, वह किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में, वह क्या सोचते हैं। तो देखिए, जो प्रतियोगी छात्र हैं वह सरकार से संतुष्ट अच्छे खासे संतुष्ट नहीं है, वह बहुत कम संतुष्ट है। मैं ये नहीं बोल सकता वह संतुष्ट है, बहुत कम संतुष्ट है। उन लोगों का शिकायत ये है कि जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, जो वैकेंसी होती है वैकेंसी बहुत कम मात्रा में दिया है, वैकेंसी में अनियमितताएं हुई हैं, जो भर्तियां हुई हैं पहले भर्ती आई नहीं है, भर्ती आई है तो उसमें अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो बहुत देर से आई हैं, जैसे लेखपाल की भर्ती परीक्षा है, पीटी को लागू किया गया, वो भी पीटी परीक्षा बहुत देर बाद ली गई, और उसके बाद जो लेखपाल परीक्षा है, लेखपाल का जो फॉर्म है उसका प्रतीक्षा लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि कब लेखपाल का फॉर्म आएगा, तो इस तरह की बातें हैं। जो दरोगा भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी अनियमितताएं की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसका भी आवेदन फॉर्म आने में दरोगा का बहुत लगभग 2-2.5 साल से लोग प्रतीक्षा में थे और जाकर वह दरोगा का फॉर्म आया। तो इस तरह से जान लें, जो प्रतियोगी छात्र हैं वह ज्यादा संतुष्ट नहीं है इस मौजूदा सरकार से, वह ज्यादा संतुष्ट नहीं है। तो नाराज कौन है, प्रतियोगी छात्र जो है नाराज है, गवर्नमेंट भी यह जानती है कि प्रतियोगी छात्र नाराज है। तो प्रतियोगी छात्र अगर वोट कम मात्रा में देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो दुकान चलाते हैं, दुकान वाले दुकान चलाते हैं, या जो प्रतियोगिता से उनका कोई मतलब नहीं है, वह प्राइवेट में जॉब करते हैं, वह पूरी तरह से बीजेपी को फॉलो कर सकते हैं। और आपको जानकारी भी बताते हैं, लैपटॉप बांटा गया है, स्मार्टफोन बांटा गया है, लाखों की संख्या में बांटा गया है। तो जो लोग, जो प्रतियोगी छात्र नाराज हैं, उनको उनसे ज्यादा लोग सपोर्ट में, या लैपटॉप वाले स्मार्टफोन वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में आ जा रहे हैं, क्योंकि उनको सहूलियत मिल जा रही है, उनको फायदा मिल जा रहा है, लाभ मिल जा रहा है उनको। अब आप समझिए, लाखों ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर पर मैसेज आया हुआ है कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और आपका स्लॉट बुक कर लिया गया है, मतलब स्मार्टफोन आदि के लिए। तो वह क्या चाहेंगे, वह तो यही चाहेंगे कि मौजूदा जो सरकार है वही सत्ता में आए ताकि हमारे स्मार्टफोन मिले। तो यह बात आप जान लें, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनको ज्यादा शिकायत नहीं है, जो प्राइवेट में जो जॉब करते हैं उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा शिकायत नहीं है, जो बाकी जो अन्य रोजगार करते हैं उन्हें ज्यादा शिकायत नहीं है। शहरी तबके के लोग थोड़े बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो हकीकत आप समझिए, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं बहुत ही संतुष्ट हैं, जो राशन पानी से जिनका खर्चा चलता है, काम चलता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो उज्ज्वला योजना या गैस आदि के काम के आधार पर कार्य चला रहे हैं वो भी संतुष्ट हैं। जिन मजदूरों को, जिन जो जो लोग हैं, जो किसान हैं,
मजदूर हैं जिनको 2000 की जो किसान किस्त है वह हर 3 महीने पर मिल जा रही है, 3 या 4 महीने में मिल जा रही है, वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो आप हकीकत को समझिए, सच्चाई को समझिए, तो यह बात आप जान लें। प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मैं किसी प्रकार से अंधकार में नहीं रखना चाहूंगा और न मैं किसी पार्टी विशेष किसी दल विशेष से हमारा कोई वास्ता है। मैं विश्लेषण कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। अब मैं इस आधार पर समझा रहा हूं क्योंकि अब मैं वही बोल रहा हूं, इस समय जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सभी क्या बोलते हैं, वह सभी लोग प्रतियोगी छात्र हैं। तो प्रतियोगी छात्र असंतुष्ट है तो उसे लग रहा है भाई यही जीतेगा यही जीतेगा। अब आपको एक बड़ा वाक्य बता दूं, गोरखपुर में आप जानते हैं कि योगी जी लड़ेंगे, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे और उनके ही विपरीत में शुभावती शुक्ला जी हैं और पी चंद्रशेखर जी हैं, बाकी लोग भी हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं। तो एक न्यूज चैनल ने यह वोटिंग जाहिर किया था कि गोरखपुर से कौन चुनाव जीत रहा है, गोरखपुर विधानसभा से कौन चुनाव जीत रहा है। तो आपको जानकर हैरान होगा कि वहां पर ज्यादातर मात्रा में लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर चुनाव जीत रहे हैं। बताइए चंद्रशेखर जीत पाएंगे, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। लेकिन वह लोग क्यों चंद्रशेखर को बोले, क्योंकि वहां पर एक विशेष सोच वाले लोग हैं तो वह लोग बोल दिए चंद्रशेखर को जीतेंगे। तो यह सब सोच वाले पर निर्भर करता है, लेकिन हम जब विश्लेषण करेंगे, आप जब विश्लेषण करिएगा तो समग्रता के आधार पर करेंगे, पूरी तरह से तार्किक विश्लेषण करेंगे, समग्र विश्लेषण करेंगे। तो यह बात आप जान लें, प्रदेश में अगर सरकार अगर बनने जा रही है, मेरा जो मानना है, मेरा जो संभावना है, मेरा जो विश्लेषण है उस आधार पर बोल रहा हूं, अगर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हो सकता है यही मौजूदा जो सरकार है वह आएगी, लेकिन उतने भयंकर तरीके से नहीं आएगी जिस तरह से पिछली बार 300+ सीटें आई एनडीए के पक्ष में, उस तरह से सीटें नहीं निकल कर आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर सरकार बना ली जाएगी। यह बात आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, यह मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं फिर यह वीडियो नहीं बनाऊंगा, यह बात या ध्यान रखिएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं। जब 10 मार्च को आप मिलिएगा, सरकार बना लीजिएगा, अभी आप मान के चलते हैं नहीं तब उस सच्चाई को मिटा रहे हैं भाई, तब सच्चाई को मिटा रहे हैं और घुटने पर लाठी रोक रहे हैं, बस यही जाना है। सरकार बीजेपी की आएगी, जो मौजूदा सरकार है वही आएगी, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो काफी संतुष्ट हैं, शहरी परिवेश वाले जो थोड़े असंतुष्ट हैं उससे ज्यादा ग्रामीण परिवेश वाले संतुष्ट हो जा रहे हैं पूरी तरह से। यह बात आप जान लें, पढ़ा लिखा जो तबका है वो थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है वो पूरी तरह से संतुष्ट चल रहा है। यह बात आप जान लें, पूरी तरह से हकीकत जान लीजिए। सीटें जो है बीजेपी की 220+225+ तक आ सकती हैं, ज्यादा नहीं आएगी, 250 क्रॉस करने की संभावना तो फिलहाल नहीं बन रही है बीजेपी की, लेकिन फिलहाल 220-225+ रहेगा, यह बात आप जान लीजिए। और तो कुल मिलाकर सरकार बना ले जाएगी बीजेपी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, यह सिर्फ विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ मैं, यह जो मुझे लग रहा है मैं वह बता रहा हूँ, ऐसा आप मत समझिएगा कि मेरा किसी दल विशेष से कोई मतलब है, कोई सरोकार है, और जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने यह भी बता दिया कि कहाँ असंतुष्टि है, कहाँ लोग असंतुष्ट हैं, ग्राम शहरी परिवेश के लोग थोड़े बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जितने फीसदी शहरी परिवेश के लोग असंतुष्ट हैं उससे ज्यादा यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं। जो प्रतियोगी छात्र थोड़ा बहुत नाराज हैं, तो उनकी भरपाई जो स्मार्टफोन वाले हैं या फिर लैपटॉप आदि वाले हैं, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के छात्र हैं वो संतुष्ट हो जा रहे हैं, वह भी तो वोटर हैं भाई। जो बीए में है एमए में है बीएससी में है एमएससी में है या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड से एलएलबी आदि कर रहा है, वह तो पूरी तरह संतुष्ट है। अब जो बाकी लेखपाल की तैयारी करते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है, यूपी टेट सी टेट आदि तैयारी करने वाले या जो भी नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हैं वो थोड़े बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं। तो ये इसकी भरपाई हो जा रही है कुल मिलाकर 220+ या 225+ सीटें निकलने की संभावना है, ऐसा मैं संभावना जाहिर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।